नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी फॉर विनोवेटिव में। मेरा नाम है संगीत और आज हम एक बहुत ही अनोखी वीडियो शूट कर रहे हैं। दरअसल आज हम एक ऑडियो इंटरफेस, माइक और एक मॉनिटर हेडफोन तीनों का एक साथ अनबॉक्स कर रहे हैं। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको इस अनोखे प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमने bajaj.com से ऑर्डर किया है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आप देख पाएंगे कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक माइक, एक मॉनिटर हेडसेट और एक ऑडियो इंटरफेस। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस बॉक्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स में एक स्टूडियो माइक्रोफोन, एक यूएसबी पावर रिकॉर्डिंग इंटरफेस और एक HD680 मॉनिटर हेडसेट। इसके अलावा माइक के लिए हमारे पास ट्राइपॉड का स्टैंड भी है। लेट्स स्टार्ट विद द माइक। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस माइक। ये एक स्टूडियो कंडेंसर माइक है जिसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 30 हर्ट्ज 220 किलोहर्ट्ज। वॉल्ट एक जर्मन कंपनी है और इस माइक सेट के अंदर हमें XLR केबल मिलेगी। XLR केबल बेसिकली इस तरीके की होती है जिसका एक एंड आप इंटरफेस में इनपुट करेंगे और एक एंड आप माइक में इनपुट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास माइक का फिल्टर और ऑब्वियसली हमारा माइक हो। चलते हैं हम ऑडियो इंटरफेस की तरफ। ऑडियो इंटरफेस USB पावर्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको इसे अलग से सेपरेटली पावर देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ स्टर्डी लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑडियो इंटरफेस। अगेन ये भी हमारा वॉल्ट का मैन्युफैक्चर्ड है जिसमें हम दो इनपुट, अलग अलग गेन्स और अलग अलग कंट्रोल्स कर सकते हैं। इसमें दो मिक्सिंग मोड है, डायरेक्ट मोड जिसमें हम एक इनपुट को एक टाइम पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और मिक्स मोड जिसमें हम एक इनपुट, दोनों इनपुट को साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे मॉनिटर के लिए इनपुट है और दो सेपरेट आउटपुट्स भी, लेफ्ट और राइट आउटपुट्स भी। ये है हमारा ऑडियो इंटरफेस। अब फाइनली हम आते हैं हमारे स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडसेट्स पर। बहुत ही स्टर्डी लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल। द हेडसेट की केबल जो है काफ़ी लंबी है आपकी। ये गोल्ड प्लेटेड RF जैक है और सारे ही बड़े हेडसेट, सारे ही बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियोज मॉनिटर हेडसेट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टूडियो मॉनिटर्स जो हैं ये ओवर द ईयर्स हैं और ये आसानी से एडजस्ट किए जा सकते हैं। काफ़ी लंबी केबल। तो आइए दोस्तों, हम आगे चल के इसको असेंबल करते हैं और यूज़ करते हैं इस ऑडियो इंटरफेस। और ये तो बताना मैं आपको भूल ही गया, ये है दोस्तों प्रीमियम वारंटी सर्टिफिकेट जो कि हमने वी फॉर विनोवेटिव के लिए खास लिया है। इसकी खासियत ये है कि अगर इन सारे इक्विपमेंट्स में कोई भी शॉर्टकमिंग आती है तो bajaj.com का एग्जीक्यूटिव हमारे पास आकर ये इस प्रोडक्ट्स खुद लेकर के जाएगा। आपको कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइक कंडेंसर माइक है जो कि सारे प्रोफेशनल स्टूडियोज में आप देखते होंगे। और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि है इसका ट्राइपॉड, जिसको आप इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि ये यूएसबी पावर्ड है तो आपको वोल्ट इंटरफेस को ऑन करने के लिए सेपरेट पावर की जरूरत नहीं है। और ये नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है जो आपके पीसी या लैपटॉप में आराम से कनेक्ट हो सकता है। जैसे ही आप इसको अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पावर की लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद हम माइक को कनेक्ट करते हैं। माइक को कनेक्ट करने के लिए XLR केबल्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। माइक के नीचे XLR पोर्ट है, आप XLR केबल को कनेक्ट करिए। इट इज अ सिंपल प्लग एंड प्ले डिवाइस। सिंपली आपकी केबल प्लग हुई। वॉल्ट इंटरफेस की स्पेशलिटी या खासियत आप देखेंगे अगर, तो इसमें दो सेपरेट पोर्ट है। आप एक टाइम पे दोनों पोर्ट या एक पोर्ट, जैसे चाहे वैसे इसका यूज कर सकते हैं।
और माइक कनेक्ट करने के बाद आप अपने मॉनिटर हेडसेट्स, जिनका 17 स्लॉट आपके मास्टर वॉल्यूम के बाजू में दिया हुआ है। देखा दोस्तों कितनी सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ दो कॉर्ड्स प्लग इन करने के बाद आपका ऑडियो इंटरफेस सेटअप हो चुका है। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ इस बंडल को। उससे पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा, दरअसल ऑडियो इंटरफेस यूज क्यों किया जाता है? अगर आप घर पर बैठे हैं और आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं या एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहते हैं तो वो ऑडियो इंटरफेस आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप घर के बाहर लाइव शोज करना चाहते हैं या एक से ज्यादा आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहते हैं तब आप मिक्सर का यूज करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब हम इस बंडल से रिकॉर्डिंग करने की तरफ। जब भी आप घर पर बैठे रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आपको एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत भी पड़ेगी, पर दोस्तों चिंता ना करें, इस बंडल में आपकी ये प्रॉब्लम भी कवर की गई है। इस बंडल में आपको बिटविक नाम का एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है जिसको आप बिटविक की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इस बंडल की लाइसेंस की भी आपको डब्बे के अंदर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। जैसा कि आपने देखा कि हमारा माइक इनपुट 2 में लगा हुआ है। इनपुट 2 के पास अगर आप ध्यान देंगे तो एक गेन का नॉब है। गेन का नॉब बेसिकली वॉल्यूम के लेवल से होता है। अगर आप इसको फुल करेंगे तो जैसे जैसे मैं उसको बढ़ाते जाऊंगा वैसे ही वैसे मेरी आवाज़ माइक के थ्रू ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे गेन के नॉब के नीचे एक लाइट है जो रजिस्टर करती है हर एक साउंड को। जैसे जैसे मैं माइक पर टैप करता हूँ वैसे वैसे वो लाइट चलती है। चलिए दोस्तों अब हम इस रिकॉर्डिंग बंडल से एक सैम्पल रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ऑडियो ट्रैक पर आर्म करने का एक ऑप्शन है जिससे आप दबाएंगे तो ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए आम हो जाएगा, और ऊपर जाकर अगर आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हैं तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही मैं माइक पर टैप करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर एक वेव रजिस्टर हो रही है, यहाँ मिक्सर में एक वेव रजिस्टर हो रही है, और हमारे ऑडियो इंटरफेस पे भी वेव रजिस्टर हो रही है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक वेव रजिस्टर हो रही है, हमारे मिक्सर में भी एक वेव रजिस्टर हो रही है, और हमारे ऑडियो इंटरफेस में भी एक वेव रजिस्टर हो रही है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्राइस रेंज में 11,999 प्लस हमारी जो प्रीमियम वारंटी है उसको जोड़कर ये सिर्फ हमें 13,000 रुपये का पड़ा है, और इस प्राइस रेंज में इसका कोई खास कंपटीशन मार्केट में अभी नहीं है। और तो और बचाओ से आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी अच्छी मिली हमें। हमें जो भी मुश्किलें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में आई उनको हमें काफ़ी अच्छे से रजिस्टर किया गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को खूब सारा प्यार लाइक्स के रूप में आप दीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए मैं संगीत गिरिराज फॉर विनोवेटिव से आपसे अलविदा लेता हूँ।